नमस्कार, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। रायपुर और बलरामपुर के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। स्वच्छता पखवाड़ा के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। बता दें कि 11:50 पर बलरामपुर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रवाना होंगे। बलरामपुर में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। बता दें कि शाम तक वापस राजधानी रायपुर लौटेंगे। रायपुर से उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आज कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। बलरामपुर के लिए भी रवाना होंगे। खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वह इस बात एक चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता गोपी साहू जुड़ गए हैं। गोपी, मुख्यमंत्री के आज क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं? जी चैताली, बिल्कुल बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर और बलरामपुर जिले के दौरे पर रहेंगे और वहां पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें राजधानी रायपुर की, तो अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री साय जो है वो गांधी प्रतिमा में माल्यार्पण करने पहुंचेंगे। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उन आजाद चौक स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें नमन करेंगे और उसके पश्चात वो स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहाँ पर श्रमदान करते हुए मुख्यमंत्री जो है वो नजर आएंगे। स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो आज समापन उसका होना है। बीते 15 दिनों से यह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद से ही यह जो स्वच्छता पखवाड़ा है वो चलाया जा रहा था और उसके बाद में जो है कि आज इसका समापन जो है वो होने जा रहा है। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। समापन इसमें भी मुख्यमंत्री साय जो है वो शामिल होंगे। सुबह 9 बजे यह कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। इसमें साथ ही बता दें कि खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में खादी ग्राम उद्योग के द्वारा प्रदर्शनी लगाए गए हैं। अलग अलग जिलों से लोग यहां पर पहुंचकर जो खादी की महत्ता है उसे वहां पर बताएंगे। प्रदर्शनी लगाया गया, आम जनता भी वहां पर जाकर खादी के जो भी वस्तुएं हैं, जो कपड़े हैं, उन्हें देख सकेंगे और उनका महत्व जो है वो जान सकेंगे। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने लगातार स्वदेशी को प्रमोट किया था, खादी के उन्होंने एक प्रमोट किया था और उसके जयंती के अवसर पर यह खादी ग्राम उद्योग की जो प्रदर्शनी है अब वो लगाई जाएगी। बता दें कि इसके पश्चात लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री बलरामपुर जिले के लिए रवाना होंगे और बलरामपुर के रामानुजगंज में जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि बलरामपुर जिले को आज करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है, उसका लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री के हाथ होगा। तो ये आज के उनके विभिन्न कार्यक्रम है जिनमें वो शामिल होंगे, जिनमें महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा के समापन और उसके पश्चात बलरामपुर जिले में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता मंत्री रामविचार नेताम के द्वारा किया जाएगा, इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके पश्चात शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री निवास मुख्यमंत्री लौटेंगे। जी गोपी, बने रहिए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आज स्वच्छता पखवाड़ा के समापन समारोह में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो शिरकत करेंगे। खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे।